इतना बेशुमार पैसा कमाया और आप अभी कह रहे हैं पैसा नहीं मिला, तो नहीं मतलब एक फिल्म लोग जब बनाते हैं और वो जब चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 20 हफ्ता चल रहा है, 23 हफ्ता चल रहा है, पिक्चर चल रहा था 23 हफ्ता तक मालूम है, 23 weeks, हाँ, yes. उसके बाद मैंने उस फिल्म को उठाया जगह से, हम बोले ये चलने का मतलब क्या हुआ कि कोई कलेक्शन नहीं है, खाली फिल्म चले जा रहे है, जो लोग बीच में है वो लोग खा रहे, तो हम बोले ऐसा खाने पीने देने का कोई मतलब ही नहीं है, उससे बेटर है मैं सारा प्रिंट उठा के एक दिन में मैं जेट एयर में बुक करके कलकत्ता से सारा प्रिंट उठा के 28 ना कितना प्रिंट था वो सब उठा के लेके आ गया था। तो ये पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है, मेन चीज है कि जो नियत हमको दिख रहा था वो सही नहीं, मैं है मैं एक चीज बनाया उसको लेके कोई 5 आदमी बिजनेस करे मेरा चीज को लेकर, दिस इज बैड। शानदार, क्योंकि होली है और होली पर रंग लगाना बनता ही है, क्योंकि आपके इतने चाहने वाले हैं, आधा आधा हिंदुस्तान आपके चाहने वालों से भरा हुआ है, कोई फैन शाहरुख खान की फिल्म फैन आ रही है और उसमें एक फैन का प्यार दिखाया गया है उसके आइडल के लिए, तो अगर कोई फैन आता है आपको रंग लगाना चाहता है आपसे मिलना चाहता है तो उसको कितनी इजाजत दी जाएगी, कितनी लिबर्टी दी जाएगी? मैं बस थोड़ा सा ही उसको बोलूंगा कि थोड़ा सा ही आप एक टीका लगाओ या कुछ एक टुकड़ा लगा के जाओ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ वॉइस, तो वॉइस को हमको बचा के रखना पहले है, वो दिखना तो पहले वो दिखना पड़ता है, तो वो फैन एक मिनट में राजी हो जाता है, मेरे पास बहुत सारा ऐसा हुआ केस, वो एक मिनट में राजी होते हैं, बोलते नहीं वॉइस का अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली दादा कुमार सानू जी मैं आपको एक साइड से लगा देता हूँ बस, तो इस तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम लोगों का भी चेहरा, शानदा का वॉइस, हमारा चेहरा चेहरा से नहीं, फैंस अगर आएगा तो थोड़ा सा देना चाहेंगे तो जरूर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं तो बढ़ता ही जाएगा तो आप संभाल नहीं सकोगे। कुछ फैन वॉलेंट भी हो जाते हैं, मतलब उनको गुस्सा आता है कि उनके आइडल से मिल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे हैं, तो आपने कुछ ऐसा अपने पिछले सालों में एक्सपीरियंस किया, कोई ऐसा कोई लड़का या लड़की कोई आपसे मिलने आया हो जब आपने मना किया हो या सर आपने मना किया हो तो वो ज्यादा गुस्से हो गए हो या उन्होंने कुछ गलत किया हो आपके साथ, ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस याद आ रहा है? एक्चुअली देखिए मैं, मेरा एक नेचर है कि मैं हर फैंस को मिलता हूँ, हर जगह पे एयरपोर्ट से लेके सब जगह पे मेरा कोई फैंस को मैं नाराज नहीं करता, सबसे पहली बात तो बिकॉज ऑफ देम आई एम कुमार सानू और वी आर हियर, तो फैंस को इग्नोर करना तो दूर की बात है, वो तो हम करते ही नहीं है, दूसरी बात है जब मैं उसको समझाता हूँ ना वो समझ जाते हैं, हमारे फैंस जो होता है क्योंकि हम मेलेडी लेके खेला ना, हम रोमांस को लेके खेला, तो हमारे फैंस कभी राउडी नहीं होता है, हमारे फैंस जो है ना वो उस तरह की सॉफ्ट नेचर का ही होता है मैक्सिमम मैंने देखा जो रोमांटिक, हाँ थोड़ा रोमांटिक किस्म का आदमी होता है, वो एक की जगह 12 रोमांस कर लेते हैं, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन मारा मारी नहीं करते हमारे गाने, तो उनको जब समझाते हैं ना तो वो आराम से मान जाते हैं और एक दो टीका में ही वो काम। और एक मेरा एक बहुत ही एक स्टोरी याद है, अभी जब बोल रहे थे अभी जिक्र किया, हम एक हॉस्पिटल में शूटिंग कर रहे थे 2-3 पहले, तो जब फैन के बारे में बात हुआ तो मुझे सडनली याद आया, तो एक 2-3 लड़की उधर देवर इन द हॉस्पिटल, इंटरवेनस चल रहा था, मेरा शूट चल रहा था, देख उठ के आई बेड से मुझे मिलने के लिए फोटो लेने के लिए और बोला कि अभी होली का टाइम है थोड़ा सा हम लोग तो हॉस्पिटल में गुलाल लगाएंगे, तो मैंने बोला नहीं वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम्हारा इंटरवेनस चल रहा है, आई कुड सी द नीडल्स इन हर थिंग हैंड, मैंने बोला तुम जाओ अभी सो जाओ जाके, मैंने एक सेल्फी लेंगे फिर जाएंगे, तो ऐसा ही होता है यू नो फैंस का दिल की बात, सो इट्स वेरी शानुदा जो बोला कि कभी फैंस को नाराज करने का तो नौबत ही नहीं आएंगे, एंड दे आर द पीपल हु हैव क्रिएटेड अस। दादा होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन, भैया दूज, कुछ भी हो, आप हर त्योहार पे अपने किन किन लोगों को मिस करते हैं, आप किन को मिस करती हैं, क्योंकि अब इतना बिजी शेड्यूल आपका पहले से था अब भी है, तो अब क्या चीज मिस करते हैं आप बचपन में और अभी क्या 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 बदल गया? देखिए बचपन में डेफिनेटली जो प्रीवियस हम जो लाइफ को पार करके आज आते हैं, हमें उस लाइफ के बारे में हमेशा एक दुखद कहानी, हर एक को बोलता है काश वो बचपन हमें वापिस मिलता, काश वो चीज हमें वापिस मिलता, हम कोशिश करते हैं कि मैं तो खास करके कोशिश करता हूँ कि वो जो पुराने जो नॉस्टैल्जिया था वो सब जो चीज थे तो उसको हम मेंटेन करने का कोशिश करता हूँ, जैसे कि हमारे वहाँ पे जाके पानी पूरी खाना, हाँ। या जहाँ पे जिस मोहल्ले में हम हमारे दोस्तों के साथ, तो उन दोस्तों को मैं होटल में बुला लेता हूँ,
वो लोग होटल में आके हमारे साथ मिलके हुल्लड़बाजी करते हैं हम लोग, फिर वही दमालू, वही घुगनी, ये सब जो चीजें हैं वो सब तो मिस करती हैं। होली में ये मिस करते थे कि होली के दिन सबसे बड़ी बात है कि घर में बहुत अच्छा मटन मटन पकता था और खाना वाना बहुत अच्छा होता था, है, और सबसे बड़ी बात है कि होली के लिए एक स्पेशल खाना कोई ना कोई दोस्त के घर, इसके घर, हाँ, उसके घर होता ही था, होता ही था। तो ये जो है ये सब चीज अभी होता नहीं है। अभी आप होली का मतलब कुछ और हो गया। मेरा कहने का मतलब है जो होली एक ऐसा त्योहार है हमारे जिसमें हम रंग बिखेरते हैं, ये रंग नहीं होता, ये हमारा प्यार बिखेरते हैं, प्यार बिखेरते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक रंग, इस रंग के जरिए हम जो दुश्मन है उसको भी गले लगाते हैं। इस रंग के जरिए हम अपने भावना को व्यक्त करते हैं कि भाई हम झगड़ने नहीं आया, हम तुमसे प्यार से बात करने। तो बहुत सारे चीज मिलन है ये होली उत्सव का मतलब। तो ये हम चाहते हैं, मिठाई का भी बहुत ही एक अच्छा रसम रहता है होली के, लड्डू वगैरह ये सब होता ही है और मिठाई भी होता है होली में हमारे। तो ये सब जो चीजें है ना, ये सब प्यार बढ़ने का चीज है। तो होली त्योहार ही ऐसा है जिसमें आपको प्यार बांटा जाता है और आप प्यार बढ़ा सकते हो थ्रू द होली। दादा, क्योंकि होली एक रोमांटिक त्योहार भी मैं मानता हूँ और आपका एक रोमांटिक गाना मुझे याद आ रहा है, तेरी मोहब्बत ने, आप चाहेंगे वो गुनगुना? आप प्लीज गुनगुना, हाँ, गुनगुना दीजिए ना शानू दा, प्लीज। तेरी बात तेरी मोहब्बत ने और कौन सा गाना बोला था तुमने? बस यही गा दीजिए अभी वाला। अरे याद, तेरी मोहब्बत ने दिल ने मुकाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल ने मुकाम कर दिया, मैंने भी अपना दिल ये जा तेरे नाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल ने मुकाम कर दिया। चलते चलते आप रंग लगा दे शानू दा को। ये यार, हम लेके आते, ये आ गया, क्या बात है, एक लगा दो शानुदा, और मैं तुमको ब्लू लगा, थैंक यू। थैंक यू बोलने से नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे लाल, इधर लाल, थैंक यू।